हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम संख्या 44 से भाग देना सीखेंगे। किसमें दे रहे हैं? 1, 9, 5, 7, 9 में। बच्चों, कभी कभार ये आपका ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है। सबका मतलब एक ही है, नीचे का ऊपर में भाग देना। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी, और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट करें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भाग का चिन्ह यह रहता है। इसमें इससे पहले लिखी हुई संख्या में भाग देते हैं, किसका देते हैं, इसके बाद लिखी हुई संख्या का। अब बच्चों देखिए, यदि यह दो अंकों की संख्या है तो पहले हम दो अंकों के साथ तुलना करेंगे। तुलना करके क्या देखेंगे? क्या यह 44 से बड़ा है? 19 आ रहा है, देखिए 44 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो फिर क्या करें, अगला एक अंक और शामिल कर लेंगे। कितना आ गया? 195, जो क्या है, ग्रेटर देन 44 है। इसका मतलब अब हम भाग दे सकते हैं। अब इस 44 को 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आए? तो देखिए, हम अलग अलग संख्याओं से ट्राई करते हैं। यदि मैं इसको 7 से गुणा करता हूँ तो बड़ा आ रहा है। यदि इसको मैं 5 से गुणा करता हूँ, 4 5 20 और 2 हासिल चला गया, 4 5 20 और 2 22 आ गया, तो भी इससे बड़ा आ रहा है। यदि मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ, 4 16 एक हासिल आ गया, 4 16 1 17, इससे बड़ा नहीं आ रहा है। ओके, ध्यान क्या रखना है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे हमने 4 को लिया, जैसे हमने 4 से बड़ी संख्या लिया 5, तो आपका इससे बड़ा आ गया। इसका मतलब हमें 4 को लेना है। या ऐसे समझो, जब हम इसको घटाएँगे तो आपका 44 से छोटा आना चाहिए। देखिए, मैं घटाता हूँ यहाँ पर, एक उधार देगा 15 बन जाएगा, 15 में से 6 गया, कितना आ गया 9। अब यहाँ कितना है, 8, 8 में से 7 गया, 1 आ गया। देखिए, 44 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमने सही किया है। अब इस 7 को मैं बच्चों यहाँ ले आता हूँ। अब क्या करें बच्चों, 44 को जैसे हम 5 से गुणा करते हैं, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 4 से गुणा किया, इससे बड़ा नहीं आ रहा है। फिर आपका भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। फिर मैं घटाया, कितना आ गया, 7 - 6 1, 9 - 7 कितना, 2। और अगला एक अंक की संख्या यहाँ ले आता हूँ, फिर आपका 219 आ रहा है। यदि 5 से गुणा करते हैं तो 220 आ रहा है, फिर भी इससे बड़ा है। तो फिर आपका कितनी बार जा रहा है, 4 बार। फिर कितना आ गया, 176। फिर मैं इसको घटाया, कितना आ गया, 3, एक उधार दिया, बन गया 11, 11 में से 7 गया, कितना आ गया, 4। अब आप आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो करके ऐसे आगे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। तो यह बच्चों आपका क्या बन गया, सेंसफल, और यह आपका बन गया भागफल। तो इस तरीके से हमने अपना संख्या 44 से भाग करना सीखा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ।